हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू अपडेट ऑफ क्लैश ऑफ क्लैन। जल्दी से हम देखने वाले हैं क्या क्या है न्यू अपडेट्स, और जो लोग सिर्फ टाइटल और थंबनेल देख के आए हैं वो लोग नीचे मेंशन टाइम पर जाकर डायरेक्टली अटैक देख सकते हैं। और अब बात करते हैं हमारे न्यू पोकेमॉन्स की, न्यू सुपर ट्रूप्स की, जो कि है सुपर विजार्ड। अब बात करें सुपर विजार्ड की, तो ये है एक विकसित रूप नॉर्मल विजार्ड का, जो कि लाइटनिंग स्पेल जैसे अटैक करता है लाइक इलेक्ट्रो ड्रैगन, और चेन फॉर्म में जो है फायरबॉल्स रिलीज करता है। और अब बात करते हैं सेकेंड पोकेमॉन की, सेकेंड ट्रूप की, तो वो है आइस हाउंड, जो कि लावा हाउंड का जो है एक विकसित रूप है, फ्रीज करता है बर्स्ट होने के बाद। यही एक थिंग है आइस हाउंड की। तो अब देखते हैं कुछ इवेंट्स जो कि न्यू आए हैं। ये एक विजार्ड का इवेंट है न्यू ट्रूप वाले, और ये टाउन हॉल वर्किंग और वन जेम बूस्ट, ये सब जो है इवेंट्स आ गए हैं हमारे गेम में। अब जल्दी से देखते हैं क्या क्या न्यू बिल्डिंग्स है जो हमें मैक्स करनी है। एक्सपो, वर्कशॉप, रॉयल चैम्पियन, स्पेल फैक्ट्री, जायंट बॉम्ब और एयर बॉम्ब, ये सब न्यू थिंग्स है। अब आते हैं डायरेक्टली हमारे आरसी पे, जिसको हम ताबड़तोड़ जो है जल्दी से मैक्स करने वाले हैं। एक लेवल मैक्स हो गया है, अब हम हैमर यूज़ करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट किए। जल्दी से लेवल 22 की हो गई है, और अब 23 करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अरे हाँ, एक और ये ले लेता हूँ मैं मेडल 165, इजीली हम इसको कर लेंगे लेवल 23 की। अब और कुछ तो बचा नहीं है, इसको लेवल 23 की कर लेते हैं। बुक ऑफ हीरो तो दुकान वाला शायद लेके नहीं आया था, मैंने देखा था थोड़े टाइम पहले। तो नेक्स्ट क्या चीज़ है जो हम मैक्स कर सकते हैं देखते हैं। यहाँ पर आई थिंक हम मैक्स कर सकते हैं, क्या मैक्स करेंगे पहले, वर्कशॉप कर लेंगे। ओके, एक हैमर है मेरे पास, वर्कशॉप डायरेक्टली हो गया है मैक्स। अब इसमें अनलॉक हो चुका है हमारा लॉग लॉन्चर, लॉग लॉन्चर देखते हैं लैब में कहाँ पर है। लास्ट में कोई ट्रूप का अपग्रेड नहीं आया है आई थिंक, बस जो इनविजिबल स्पेल है वो एक अपग्रेड है लैब में, और लॉग लॉन्चर ही दो, ये एक दो ही अपडेट हमें करने पड़ेंगे लैब में। तो जल्दी से इनविजिबल स्पेल अनलॉक कर लेते हैं, और ये बुक हम यूज़ कर लेंगे, और इनविजिबल स्पेल हो गया है अनलॉक। जल्दी जल्दी हम जो है मैक्स कर लेंगे स्पेल भी, देखते हैं लैब में जाके। और बाकी अगर बिल्डिंग्स की बात करें तो एक्सबो है, जायंट बॉम्ब है, एयर बॉम्ब है, और ये हमारी बैंक से हम पैसा निकाल लेंगे, जितने भी पैसे थे सब के सब निकाल लिए, और हमारी जो है कैपेसिटी फुल हो गई है गोल्ड और एलिक्सर की। तो हम अब मैक्स करेंगे इनविजिबल स्पेल, लेवल 2 कर लेंगे जल्दी से। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आई थिंक एलिक्सर, फिर बुक यूज़ करेंगे, फिर एक और बार लेवल 3 का कर लेंगे इसको हैमर की मदद से। चलिए देखते हैं, और एक हैमर है क्या मेरे पास, ले सकता हूँ क्या, नहीं। ओ, टाइमर है यहाँ पे, नहीं तो इसी वक्त हम जो है इनविजिबल स्पेल मैक्स कर देता मैं अभी इसी वक्त, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हैमर अवेलेबल नहीं है, दो दिन बाद होंगे अवेलेबल। एक एक्सपो हम मैक्स कर सकते हैं क्योंकि गोल्ड हमारा फुल है, और बाकी कुछ मैक्स कर सकते हैं क्या, ये तो नहीं होगा अभी, हमसे पैसे ही नहीं है। इसे भी कर देता हूँ, इसे भी, एक तो हैमर है ही मेरे पास। चलिए देखते हैं, वेट करता हूँ, सब ठीक से देख देता हूँ, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी अपडेट करने के बाद। अपग्रेड करने के बाद मैं सोचूंगा ऐसा क्यों किया मैंने। और एक एक्सबो लगा दिया है मैंने, और गोल्ड सब ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। अभी मैं कुछ अपग्रेड तो नहीं कर सकता, दुकान वाला भी कुछ लेके नहीं आया है, और ये आई थिंक कुछ भूल रहा हूँ मैं, कुछ याद नहीं आ रहा। गोल्ड कलेक्ट कर लिया, 2 मिलियन गोल्ड रिसोर्सेस में से भी कलेक्ट कर लिए, और ये बहुत ज़्यादा फुल हो गया है इस वक्त अब। और आई थिंक फिर भी कुछ रह गया है, एक एयर बॉम्ब डाल देता हूँ मैं तब तक। अब क्या अपग्रेड करूँ, लॉग लॉन्चर कर दूँ लेवल 2 में। ओह, ये तो मैं भूल ही गया था, पूरे सीजन की मेहनत, गोल्ड एलिक्सर, डार्क एलिक्सर, जो कि ऑलमोस्ट हमेशा फुल रहता है मेरा, इस वक्त मैं कलेक्ट कर पाऊँगा। और ये 10 जेम्स एक्स्ट्रा, और ये लॉग मस्ट्री, इस अपडेट की बहुत ही स्पेशल थिंग जो कि मुझे मिली है, मतलब सबको मिली है, पहले नहीं थी ये, इस अपडेट के बाद सबको देखने को मिलेगी। इसे मैं अपने कलेक्शन के साथ यहाँ पर
कॉर्नर पे प्लेस कर देता हूँ हमारी न्यू लॉगमस ट्री। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट कौन सी थिंग है जो हम अपग्रेड कर सकते हैं। पैसे तो नहीं है कुछ अपग्रेड करने के लिए, तो चलिए कुछ पोकेमॉन्स को कुछ सुपर ट्रूप्स यूज करते हैं। आई साउंड और सुपर मिनियन हम विकसित करने वाले हैं। हम ये ट्रूप्स जो है यूज करने वाले अटैक के लिए, दो सुपर ट्रूप्स का कॉम्बिनेशन। जैसे कि इस अपडेट में पता है हम दो सुपर ट्रूप एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। दोनों सुपर ट्रूप्स की प्राइजिंग जो है सेम रहेगी, 25,000 डार्क एलिक्सर 3 डेज के लिए अवेलेबल होंगे सुपर ट्रूप्स। तो यही है न्यू अपडेट में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सुपर ट्रूप्स। अब जल्दी से हम अटैक देखते हैं किस तरीके से किया है मैंने ये आर्मी यूज़ करके। तो ये रहा वो बेस, जैसे कि आप देख सकते हो ऐसा नहीं है कि ये कोई इजी बेस है, एक नॉर्मल एंटी थ्री स्टार बेस लग रहा है। लेजेंड लीग में है आई थिंक, मैं कुछ ट्रॉफीज हाई में ही हूँ, 5200 या 5300 के आसपास। तो ये बेस मुझे आया है लेजेंड लीग में, और किस तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं न्यू आर्मी वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हम करने वाले हैं बेसिकली ड्रैग बैट जैसा ही अटैक, बस ड्रैगन्स के जगह पे हमारे पास होने वाले हैं बीटा मिनियन और आइस हाउंड जो कि हम यूज़ करेंगे इस अटैक में, और बैट्स जो कि लास्ट में यूज़ करेंगे। और हमारे सीसी में होने वाला है येटीज और वैल्करी। तो यहाँ पर हम मोस्टली बैटल ब्लिंप यूज़ करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे पास बैटल ब्लिंप नहीं था अनफॉर्चुनेटली, तो मुझे जो है स्टोन स्लैमर यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है फनलिंग हमारे हीरोज़ के साथ एक साइड में, और सेकेंड साइड में हम यूज़ करेंगे बीटा मिनियन फनलिंग के लिए। जैसे कि आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप जो है वो है फनल करना हीरो के साथ, तो एक कॉर्नर जो है मैंने फनल कर लिया है, और एक एयर डिफेंस भी मेरी क्वीन ने डाउन कर लिया है जो कि बहुत अच्छी बात है। और दूसरे साइड से जैसे मैंने कहा बीटा मिनियन सॉरी सुपर मिनियन जो है हमारी बिल्डिंग जो है ट्रैश बिल्डिंग वो क्लियर कर रहा है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से फनलिंग हो रहा है इस स्टार्टिंग में। और यहाँ पर मैंने बॉटम में भी ये जो एक इन्फर्नो टावर है उसे डाउन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक बलून यूज़ कर लिया है और एक नॉर्मल मिनियन। इस अपडेट में ये स्पेशल बात है कि आप नॉर्मल ट्रूप्स और सुपर ट्रूप्स एक साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा मैंने आइस हाउंड यूज़ किया है स्टार्ट में और जो कि एयर डिफेंस था उसके ऊपर, और जैसे कि आप देख सकते हो कि इसने फ्रीज कर लिया है, और ये जो विजार्ड टावर है वो फ्रीज हो गया था आइस हाउंड के फटने के बाद, आइस हाउंड के बर्स्ट होने के बाद। तो यही स्पेशल एबिलिटी है हमारे आइस हाउंड की, 40 हाउसिंग कैपेसिटी है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो ट्रूप से मैंने यूज़ कर लिए हैं स्टार्ट में बलून, उसके बाद सुपर मिनियन और आइस हाउंड जो कि है वो बॉटम साइड में चला गया था एयर डिफेंस के पास, तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से फ्रीज किया था उसने ये स्कैटर शॉट को। तो बहुत ही कम ट्रूप से जो टाउन हॉल के पास गए हैं, तो अब प्रॉब्लम है कि टाउन हॉल डाउन कैसे होगा। तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है इस बेस ने ऑलमोस्ट स्प्लैश डैमेज जो है डाउन कर लिया है मेरे बाकी के सारे ट्रूप्स ने, तो हम आरसी यूज़ कर सकते हैं टाउन हॉल के ऊपर। चलिए देखते हैं किस तरीके से अटैक होगा। और ये आरसी ने एक बार विजार्ड टावर को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे फ्री स्पेल, और फ्री स्पेल से हम टाउन हॉल को भी फ्रीज कर सकते हैं और विजार्ड टावर को, क्योंकि टाउन हॉल को फ्रीज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक फ्रीज बॉटम वाले विजार्ड टावर के ऊपर, इजीली विजार्ड टावर जो है डाउन हो गया, और बॉटम साइड में वो बैट्स जो है वो इनफ है बाकी के दो तीन डिफेंस बचे हैं वो डाउन करने के लिए, क्योंकि वो सब के सब सिंगल पॉइंट डिफेंस है। और उसमें भी आरसी की एबिलिटी ने दो दो आर्चर टावर जो है इजीली डाउन कर लिए। अब बस बचा है इस बेस में क्लीनअप। तो इस तरीके से आप ये जो है न्यू आर्मी यूज़ कर सकते हैं आइस हाउंड और सुपर मिनियन के कॉम्बिनेशन के साथ। बहुत ही इजी अटैक स्ट्रेटेजी है। अगर आपको इस अटैक स्ट्रेटेजी का एक और डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं जो है इस अटैक्स के वीडियो अपलोड कर दूंगा। मेरे ऑलमोस्ट बहुत सारे 3-स्टार अटैक हो गए इस अटैक से, तो बस मेंशन करना कमेंट में। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।